सरोवर नगरी नैनीताल में बीडी पांडे परिसर की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने में पिछले कई दिनों से जेसीबी की मदद ली जा रही है। स्थानीय लोगों में डर था कि कहीं भारी भरकम मशीनों के अतिक्रमण हटाने के कारण ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन जैसा कोई बुरा प्रभाव न पड़ जाए। लोगों की ये आशंका आज शनिवार की दोपहर सही साबित हुई और चाटन लॉज में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि भूस्खलन से पूर्व ही मकान को खाली करवा दिया गया था। वहीं ध्वस्त हुए मकान से नीचे के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस भूस्खलन से अब करीब दर्जन भर घर और खतरे की जद में आ गए हैं। भूस्खलन की वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है और भूस्खलन की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगी हैं। वहीं सोशल मीडिया में कई लोगों ने अतिक्रमण के लिए प्राधिकरण और गैर जिम्मेदार लोगों को इस सब का दोषी ठहराया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बोरी और कट्टों के ऊपर मकान बनाकर जान जोखिम में डालना और प्राधिकरण की अनदेखी आज इस पहाड़ पर खतरे का कारण बन गया है। आपको बता दें कि बीडी पांडे जिला अस्पताल की करीब 1.5 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हाईकोर्ट के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है।